अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका अलराजी बैंक में अकाउंट है और आपका इकामा रिन्यूअल होकर के आया है तो आप अपने अलराजी बैंक में इकामा कैसे अपडेट करें। तो इसके लिए हमें अलराजी मोबाइल ऐप को पहले ओपन करना है। तो अब यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको इसको कर लेना होगा लॉगिन। तो देखिए, मैं भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके करता हूँ लॉगिन पर क्लिक। तो आप भी जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी नंबर पर बैंक की तरफ से कोड आएगा। तो आपको वही कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो जब आप कोड डाल देंगे तो आपका ये बैंक इस तरीके से आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। और देखिए, अगर आपका इकामा रिन्यूअल हुआ होगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है अपडेट, तो आपको इसी के ऊपर कर देना होगा क्लिक। तो देखिए, फिर से आपको यहाँ अपडेट के ऊपर आपको कर देना होगा क्लिक। और यहाँ पर आपको अपने इकामे का एक्सपायरी डेट अरबी तारीख और इंग्लिश तारीख में देखने को मिलेगा। तो फिर से आपको इसी अपडेट के ऊपर कर देना होगा क्लिक। तो देखिए, फिर ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब यहाँ पर है गो टू, तो आपको डैशबोर्ड, गो टू डैशबोर्ड के ऊपर फिर आपको कर देना होगा क्लिक। तो देखिए, हमारा इकामा जो है हमारे बैंक के साथ बिल्कुल सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। तो जब तक आप यहां से अपने इकामे को अपने बैंक के साथ अपडेट नहीं कर लेते हैं, जब तक ना तो आप एटीएम मशीन से पैसा वगैरह निकाल पाएंगे, ना फिर आप लोकल या फिर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो पहले आपको अपना इकामा अपडेट करना होता है इसी तरीके से, तभी आप सारा काम कर पाएंगे।